मैं खड़े होकर पूरा भाषण करना चाहता हूं, लेकिन 3 दिन पहले मुझे चोट लग जाने के कारण शायद बहुत देर तक आपके बीच में खड़ा न रह सकूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। यदि मुझे आवश्यकता महसूस होगी, यदि आप सब मुझे इजाजत देंगे, तो मैं बैठकर भी अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त करूंगा। बहनों भाइयों, पहले भी मैं उड़ीसा में आता रहा और इस बार भी मैं उड़ीसा में आया। इस बार उड़ीसा का माहौल मुझे पूरा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। पहले जब चुनाव होते थे, हम लोगों से पूछते थे यहां पर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, तो कोई कभी कहता था 7 लोकसभा सीटों पर, कोई कहता था 8, कोई कहता था 10-11, इसके आगे कोई बढ़ता ही नहीं। लेकिन आज यदि मैं उड़ीसा के बहनों भाइयों से पूछता हूं कि बताओ इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उड़ीसा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है, तो हर उड़ीसावासी यही बोल रहा है इस बार 21 के 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, आपके सांसद के प्रत्याशी को बोलते हुए मैंने सुना है और मैं कह सकता हूं कि आपके जो सांसद के प्रत्याशी हैं, इनको चुनकर यदि आप भारत की संसद में भेजेंगे, आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का कोई काम करेगा, यही आपके सांसद प्रतिनिधि करेंगे। आपका प्रत्याशी नौजवान है, आपका प्रत्याशी तेज तर्राक है, आपका प्रत्याशी खूब अच्छा बोलने वाला है, प्रभावी बोलने वाला है, ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। और जो माहौल मैं यहां अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, लगता है मुझे बहुत निवेदन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पहले से मन बना लिया है इस बार अपने प्रत्याशी मांझी जी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको भारत की संसद में भेजना है। बहनों भाइयों, यह जय जगन्नाथ की धरती है, जय जगन्नाथ के प्रति आस्था केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों की ही नहीं है, बल्कि मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं जहां पर हमारे भारतवासी रहते हैं, उनके मन में भी जगन्नाथ जी के प्रति गहरी आस्था है, गहरी श्रद्धा है। और ऐसी जगह जय जगन्नाथ जी की धरती के रहने वाले आप सब लोग हैं और आप सब लोगों ने मेरा भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए आप देख रहे हैं। मैं यदि आपसे मैं पूछूं, अब मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दीजिए, मोदी जी की सरकार ने 10 वर्ष तक कैसा काम किया है, मोदी जी की सरकार ने कैसा काम किया या पीछे बतलाइए, अच्छा किया है कि नहीं, मोदी जी की सरकार ने काम अच्छा किया, वाह क्या वाह। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।